प्रभु, मैं अपने स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस अश्व को रोककर उन्हें चुनौती देना चाहता हूं। यह सत्य है कि राजा का स्वाभिमान ही उसकी गरिमा है, परंतु श्री राम कोई साधारण राजा नहीं है। वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनकी अधीनता का अर्थ उनका दासत्व स्वीकार करना नहीं है। अतः उचित यही होगा कि तुम सब परिवार जाकर श्री राम के अश्व एवं सेना का स्वागत करो। प्रभु, नारायण अवतार होकर भी है तो वो नर ही, तो क्या ये आपके महाभक्त को शोभा देगा कि वो किसी नर की अधीनता स्वीकार करे? नहीं प्रभु, नहीं। आपका ये भक्त और उसका शीश मात्र और केवल मात्र आपके समक्ष ही झुकेगा, और यदि किसी और के समक्ष झुकेगा तो उसके पूर्व ही मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करना उचित समझूंगा। मुझे ज्ञात है प्रभु, राम आपके इष्ट हैं, किंतु मैं भी तो आपका परम भक्त हूँ प्रभु। आपके प्रिय नगरी उज्जैनी में महाकाल वन में वर्षों वर्षों तप करके मैंने आपकी कृपा पाई है, तो क्या आप अपने भक्त को कायर बनते हुए देख सकेंगे प्रभु? स्वाभिमान क्षत्रियों के शीश का मुकुट होता है और मस्तक का तिलक उस राजा का अभिमान होता है, तो क्या प्रभु आप अपने भक्त के स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेंगे? वीरमणि, भक्त की प्रतिष्ठा से ही भगवान की प्रतिष्ठा है। प्रभु श्री राम मेरे इष्ट हैं और तुम मेरे भक्त हो। अब परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रभु मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा राम की सेना से युद्ध हुआ और उसमें मैं परास्त हुआ, तो मेरे आवाहन पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। मुझे वचन दीजिए प्रभु, हे मेरे प्रभु, मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए। तथास्तु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कि देवेश्वर कैसा वचन दे बैठे इस अहंकारी वीरमणि को। जाओ पुत्र, जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध भूमि पर जाओ और युद्ध करो, क्योंकि मेरे महादेव अब हमारे साथ हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वो देखिए, वहां है देवपुरा का राजभवन। ये विचित्र ध्वनि कहां से उत्पन्न हो रही है? सावधान, तीरों के वर्षा कर रहा है कोई। इन तीरों से किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा मैं। ये आपने अच्छा किया हनुमान जी, आपके ऐसा करने से कोई भी आहत नहीं हुआ। हमारा अश्व। अवश्य ही किसी ने हमारा अश्व से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया था।
रुक जाओ वहीं सब। अभी अश्व हमारे अधिकार में है। मुझे जिसकी आशंका थी वही हुआ। हमारा ध्यान भटकाकर हमारे अश्व को ले जाने वाले योद्धा ये हैं। ये छल और बल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे अश्व को हमारे सामने से ही ले गए वो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप सब। मत करिए ऐसा। हमारा अश्व हमें लौटा दीजिए, अन्यथा हमें यह मानना पड़ेगा कि आप युद्ध चाहते हैं। युद्ध? हमसे युद्ध करेंगे? अवश्य भावी युद्ध के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। बस सुना है कि भगवान शिव जी के भक्त हैं आप सब, विद्वान भी दिखाई देते हैं, फिर भी ये नहीं जानते कि वीरों का आचरण कैसा होता है, कैसे एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है। एक बालक हमें वीरता का पाठ पढ़ा रहा है। है हमसे बड़ा कौन वीर यहाँ? हनुमान जी, अतुलित बल के धाम, महानतम योद्धा हैं ये। योद्धा भले ही शत्रु पक्ष का हो, किंतु उसकी वीरता का सम्मान किया जाता है। आप तो इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रुक्मांगद को आचरण सिखाओगे तुम बालक? जाओ जाओ, अभी तो तुम्हारी सीखने की आयु है। जाओ, जाकर किसी के पीछे छुप जाओ। मैं छुप जाऊं? मैं? रुक जाओ पुष्कल, वार्तालाप सदैव युद्ध से श्रेष्ठ होता है। मैं इनसे बात करता हूं। ऐसा मत करिए आप सब। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि ये अश्व किसका है? ज्ञात है हमें, तुम्हारे प्रभु का। महादेव की सौगंध, तुम्हारे प्रभु हो तुम हो या कोई और, हमें किसी से भय नहीं लगता। मेरे महादेव की कृपा से तुम्हारे प्रभु, उनकी सेना और अश्वमेध के अश्व को संभालने में हम पूर्णतया सक्षम है। मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया होता तो कल्याण हो जाता आपका, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता आपका हृदय। आत्मा से परमात्मा से मिलन कराने का साधन है मेरे प्रभु श्री राम का नाम। किंतु अज्ञान का आवरण जिसके नेत्रों पर पड़ा होता है वो स्वर्ण और पीतल में भेद नहीं कर पाता। बंद करो अपना यह प्रवचन। तुम्हारा वो प्रभु मेरे लिए किसी साधारण राजा से अधिक कुछ नहीं। सूर्य की किरणों को रोकने वाले मेघ पिघल जाते हैं राजन, अभी भी समय है। प्रभु श्री राम के काज में आप बाधक मत बनिए। आप सबकी भलाई इसी में है। वाक युद्ध के लिए नहीं रोका हमने अश्व को। अश्व चाहिए तो युद्ध करो। हनुमान जी, मूढ़मति से संधि वार्ता व्यर्थ है। समय एवं शक्ति नष्ट मत कीजिए। इन्हें शास्त्रों की नहीं अपितु शस्त्रों की भाषा ही समझ में आएगी। सत्य कहा बालक, वीरों को शस्त्रों की भाषा ही समझ आती है। यदि तुम्हें भय है कि तुम्हारे सैनिक युद्ध में व्यर्थ ही मारे जाएंगे,
तो बालक, तुम्हारे और मेरे मध्य अब युद्ध हो जाए। रघुवंश के राजकुमार मात्र जीवा ही चलाते हैं या फिर शस्त्र चलाना भी जानते हैं? कोई भी हस्तक्षेप ना करे इस युद्ध में। उचित है तो आपका ये भ्रम भी मिट जाएगा कि श्री राम की सेना कोई साधारण सेना नहीं है। है तो पुष्कल बालक, किंतु रघुवंशी रखते हैं इसकी धमनियों में। चुनौती से पीछे नहीं हटेगा मेरा पुत्र। हनुमान जी, मुझे आशीर्वाद एवं अनुमति प्रदान कीजिए। आज ये भी जान जाएंगे कि रघुवंश का बालक एक श्रेष्ठ योद्धा होता है। तुम्हारे युद्ध कौशल पर मुझे गर्व है पुष्कल। और हनुमान जी से जो कुछ भी सीखा है उसे भी स्मरण रखना। अवश्य काकाश्री, मैं श्री राम एवं हनुमान जी के नाम का मान अवश्य रखूंगा। जय शिव शंकर। भगवान रुक्मांगद, एक बार से आरंभ होने से पूर्व ही इस युद्ध को समाप्त कर दो। जय श्री राम। इस बालक का बाण कहां मुड़ गया? ये क्या था? ये प्रणाम था, क्षमा प्रार्थना थी उन शिव शंकर से, जिनके भक्त आज मेरे विरुद्ध शस्त्र लेकर खड़े हैं और मुझसे परास्त होने वाले हैं। दिल में स्वप्न देखना छोड़ दो बालक और धनुष संभालो। पुष्कल को ज्ञात है कि किस अस्त्र की काट कौन से अस्त्र से हो सकती है। मेरे दृढ़ और शक्तिशाली बाण का सामना किसका बाण से कर रहा है? इतना ही ज्ञान है तुम्हें युद्ध का मूर्ख बालक? ये कैसा सरसंचालन है अल्पायु बालक का? अल्पायु है तो क्या हुआ, रघुवंश कुमार है ये, कोई साधारण बालक नहीं। बालक, पिताश्री के रथ पर प्रहार किया तुमने, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। समाप्त हो गया, किंतु दुर्भाग्य से आपके पुत्र के स्थान पर मैंने युद्ध समाप्त कर दिया। मेरा धनुष टूटा है, साहस नहीं। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ बालक।
संभालो मेरा वार। कुछ अधिक ही बोल गए थे तुम बालक। यह युद्ध तुम नहीं मेरा पुत्र ही समाप्त करेगा और ये प्रमाणित कर देगा कि तुम रघुवंशी और तुम्हारी ये राम सेना मात्र बड़े बड़े बोल बोलना जानती है, युद्ध नहीं। ये तो पुष्कल को उकसा रहे हैं, कहीं उत्तेजित होकर पुष्कल को ये भूल न कर बैठे। जिसका भय था वही हो रहा है। पुष्कल को यदि मैं संभालने नहीं गया तो ये तो स्वयं को ही आहत कर लेगा। किंतु मैं दो योद्धाओं के मध्य में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? देखा है तो बालक ही। मैंने कहा था ना बालक, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। युद्ध कला में अभी तुम अपरिपक्व हो। ये पुष्कल हर बंधन से मुक्ति पाने वाला मुक्ति अस्त्र क्यों नहीं चला रहा है? मैं भले ही युद्ध में पुष्कल के साथ नहीं उतर सकता किंतु उसे सुझाव तो दे ही सकता हूं। पुष्कल, अपनी एकाग्रता को भंग मत होने दो। युद्ध करो किंतु संयम मत खो। हनुमान जी। अच्छा तो वानर है वहां सूक्ष्म रूप में। अभी तो मैं दिखाता हूं वानर। ये मक्खी पर्याप्त है तुम्हें निगलने के लिए। पुत्र, ये सब मिलकर, ओह, ये क्या है? मैं कह रहा था कि ये सब मिलकर तुम्हें उकसा रहे हैं। क्या कहा आपने? ये मक्खी कहां से आ गई? ये तुम्हें क्रोध दिला रहे हैं किंतु तुम्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखना है। ठीक से देखो, विचार करो, फिर स्थिति का आकलन करके उचित अस्त्र का चयन करो। अब देखता हूं मैं तुम्हें मक्खी। क्या हुआ बालक? पराजय स्वीकार कर ली हो तो घुटने के बल बैठ जाओ, मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें। पराजय की स्वीकृति ही तुम्हें बचा सकती है, कोई और अन्य नहीं। एकाग्रता बनाए रखना पुष्कल। पराजय स्वीकार करके लौट जाओ भरत और अश्व को भूल जाओ। क्या हुआ? कहीं पराजय के भय से आत्मत्याग तो नहीं कर रहे हो? श्री
तुम्हें बालक समझकर अब तक मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा कर रहा था, किंतु अब मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि रघुवंशी पुनः अश्वमेध यज्ञ करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। ये ब्रह्मांड अस्त्र तुम्हें ब्रह्मांड के केंद्र में ले जाएगा, जहां प्राण वायु के बिना घुट घुट कर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अनर्थ हो जाएगा, पुष्कल के पास ब्रह्मांड अस्त्र की कोई काठी नहीं है। हनुमान जी, पुष्कल के पास ब्रह्मांड अस्त्र को रोकने या प्रभावहीन करने के लिए कोई अस्त्र नहीं है, कुछ कीजिए। शक्ति का प्रयोग अहंकार में आकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा शक्ति व्यर्थ भी हो सकती है और स्वयं को हानि भी पहुंचा सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।